क्वेश्चन इज कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा टोटल रेज टू द पावर 5 इनटू कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा टोटल रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा टोटल रेज टू द पावर 2 इनटू कॉस 7 थीटा प्लस आयोटा 7 थीटा टोटल रेज टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहे हैं मैं उनको एक बार डिस्कस कर देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास एक डी बाइवर्स थ्योरम है एंड द थ्योरम इज इफ वी हैव कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा एंड टोटल रेज टू दी पावर एन। इन केस अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं कॉस एन एल्फा प्लस आयोटा साइन एन एल्फा के। सो दिस इज एक्चुअली द डी बाइवर्स थ्योरम। अब अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट न्यूमरेटर का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास है कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा और इस टोटल की पावर आपको दे रखा है 5 यूनिट। मींस आप इसे लिख सकते हैं कॉस 10 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा के। सिमिलरली अगर आप सेकेंड टर्म की बात करें तो वो आपके पास है कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा एंड टोटल रेज टू दी पावर 7। इन केस अगर आप यहाँ पे डिवाइवर्स लगाने जा रहे हैं तो आप इसको चाहे तो थोड़ा फर्दर मैनिपुलेट कर लें और आप इसे लिख सकते हैं कॉस माइनस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 3 थीटा के। और यहाँ पे टोटल की पावर 7 जब आप अप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा कॉस माइनस 21 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 21 इंटू थीटा के। वैसे देखिए ऐसा नहीं कि आप केवल प्लस पे ही ये डिमाइवर्स लगा सकते हैं, मैंने वहां पे नोट नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि कॉस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा और अगर इस एक्सप्रेशन की पावर भी अगर एन आपको दे रखा है तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस एन एल्फा माइनस आयोटा साइन एन एल्फा के। तो इन केस अगर आप डायरेक्ट इसे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने इसको मैनिपुलेट करके अप्लाई किया है व्हाइल यूजिंग दिस रिजल्ट तो ये भी आप कर ही सकते हैं। अब चलते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है विच इज और कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, ये टर्म आपके पास है और इसकी पावर आपको क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी पावर आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2। और इन केस अगर मैं यहाँ पे फिर से डिमाइवर्स लगाता हूँ तो ये बनेगा कॉस 10 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा के। अब डिनोमिनेटर का एक टर्म और बाकी है विच इज कॉस 7 थीटा प्लस विच इज योर कॉस 7 थीटा प्लस आयोटा साइन 7 थीटा एंड टोटल रेज टू द पावर 3। तो वी कैन राइट इट दैट इज कॉस माइनस 21 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 21 इंटू थीटा के। अब देखिए जो चारों एक्सप्रेशंस थे मैंने उन सब की वैल्यू आपको निकाल के दे दी है। अगर हम लोग फर्स्ट बात करें तो एक ये टर्म आपके पास है लेट दिस इज द फर्स्ट, एक ये आपके पास था सेकंड, ये न्यूमरेटर का सेकंड पार्ट है, ये डिनोमिनेटर का फर्स्ट पार्ट है और ये डिनोमिनेटर का आपके पास सेकंड पार्ट है। और अगर ये सारे एक्सप्रेशन को मैं इस गिवन एक्सप्रेशन में यूज करूँ तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में आपको मिलेगा विच इज कॉस फर्स्ट टर्म, न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म आपके पास है कॉस 10 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं कॉस 10 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा, ये आपका फर्स्ट टर्म है। इसी का जो न्यूमरेटर का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है ये कॉस कॉस माइनस 21 थीटा प्लस आयोटा साइन दैट इज माइनस 21 इंटू थीटा के। और डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करें तो आप देख सकते हैं कि वहां भी लगभग यही टर्म आपके सारे जनरेट हुए हैं। तो डिवाइडेड बाय इट इज कॉस 10 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा, ये आपका फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म आपके पास है कॉस माइनस 21 थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस 21 इंटू थीटा के। और अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये सारे टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं और फिर आप इसे लिख सकते हैं 1।